आईपीएल 2025 से पहले चार सबसे बड़ी खबरें चौंकाने वाली सामने आ रही हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाले हैं और इस मेगा ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को यह अनुमति दी गई है कि वो 3 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं और साथ ही 1 खिलाड़ी को बैक कर सकते हैं। यानी कि एक आईपीएल टीम कुल 4 खिलाड़ियों को अपनी टीम में वापस शामिल कर सकती है। लेकिन अब माही के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर सामने निकल के ये आ रही है कि अब मेगा ऑक्शन के चलते आईपीएल की टीम से धोनी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि 2025 से पहले चेन्नई की टीम को अपने 4 खिलाड़ियों को वापस लाना है तो चेन्नई की टीम धोनी को अपनी टीम में नहीं जोड़नी चाहेगी, जिसकी वजह से एमएस धोनी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। चेन्नई की टीम के बारे में बात करें तो चेन्नई की टीम ऋतुराज गायकवाड़, मथिसा पथराणा और साथ ही जडेजा को रिटेन कर सकते हैं। एमएस धोनी को रिटेन नहीं करने की सबसे बड़ी वजह है कि एमएस धोनी आने वाले साल में संन्यास की घोषणा करने वाले हैं, जिसके लिए सीएसके की टीम एमएस धोनी को रिटेन करने का खर्चा नहीं उठाना चाहेगी। एमएस धोनी को चेन्नई की टीम से जुड़े हुए लगभग 17 साल हो चुके हैं। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तब से लेकर और अब तक एमएस धोनी आईपीएल में सिर्फ चेन्नई की टीम से ही खेले हैं, लेकिन अब मेगा ऑक्शन के चलते सीएसके की टीम से एमएस धोनी को विदा लेना पड़ेगा। धोनी के बाद अगर बात करें रोहित शर्मा के बारे में तो जैसा कि सभी को पता है कि आईपीएल 2024 में मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम की कप्तानी दी थी और तभी से ही रोहित शर्मा मुंबई की टीम से बहुत ज्यादा खफा है और इसी वजह से पिछले कुछ समय से यह खबरें निकल के सामने आ रही थी कि रोहित शर्मा अब मुंबई की टीम को छोड़ने वाले हैं। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी वनडे क्रिकेट खेलते हैं और साथ ही रोहित शर्मा आईपीएल में T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो अब आने वाले 2025 में रोहित शर्मा मुंबई की टीम को छोड़कर लखनऊ या दिल्ली की टीम से जुड़ सकते हैं। रोहित शर्मा के बाद अगला खिलाड़ी आता है केएल राहुल। केएल राहुल जो कि पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है और केएल राहुल ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद में टीम इंडिया के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है। इसके साथ साथ केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी टीम में जगह नहीं मिली। और आईपीएल में अगर बात करें तो आईपीएल में केएल राहुल लखनऊ की टीम की ओर से खेलते हैं। पिछले 3 सालों से केएल राहुल लखनऊ की टीम से जुड़े हुए हैं और लखनऊ की टीम से पहले केएल राहुल पंजाब की टीम की ओर से खेलते थे और उससे पहले केएल राहुल बेंगलोर की टीम में खेलते थे। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि केएल राहुल पिछले 3 सालों से लखनऊ की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखा रही है। केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ की टीम एक बार भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है और पिछले सीजन सभी को देखने को मिला था कि लखनऊ की फ्रेंचाइजी के मालिक और केएल राहुल के बीच में किस तरह से बहुत ज्यादा नोकझोंक चल रही थी, जिसको देखते हुए अब यह लग रहा है और साथ ही केएल राहुल ने यह साफ कर दिया है कि केएल राहुल अगले सीजन लखनऊ की टीम से नहीं खेलने वाले हैं और साथ ही मीडिया खबरों के अनुसार केएल राहुल अगले सीजन बेंगलोर की टीम से जुड़ने वाले हैं। यानी केएल राहुल एक बार फिर से अपनी घरेलू टीम में वापसी करने वाले हैं। केएल राहुल के लिए 2023 का साल बहुत ही खराब गुजरे है, क्योंकि इससे पहले 2022 और 21 में केएल राहुल को टीम इंडिया का अगला कप्तान देखा जा रहा था, लेकिन इस टाइम पर केएल राहुल की हालत ऐसी हो रखी है कि केएल राहुल का चयन टीम इंडिया में भी नहीं हो पा रहा है। केएल राहुल के बाद में ऋषभ पंत के बारे में भी यह खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ऋषभ पंत भी दिल्ली की टीम को अलविदा कहने वाले हैं और साथ ही इतना ही नहीं बल्कि यह भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ऋषभ पंत दिल्ली की टीम को छोड़कर अब चेन्नई की टीम से जुड़ने वाले हैं। ऋषभ पंत के बारे में अगर बात करें तो ऋषभ पंत ने 2024 के आईपीएल में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, जिसके आधार पर ऋषभ पंत का चयन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए हुआ और ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया। लेकिन अब ऋषभ पंत दिल्ली की टीम को छोड़कर चेन्नई की टीम से जुड़ने वाले हैं और साथ ही आपको यह बात साफ कर दूं कि अगर ऋषभ पंत चेन्नई की टीम से जुड़ते हैं तो चेन्नई की टीम से धोनी का बाहर होना तय है और साथ ही यह देखना होगा कि 2025 के आईपीएल में चेन्नई की टीम ऋषभ पंत या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से किसको कप्तानी सौंपती है। ऋतुराज गायकवाड़ और ऋषभ पंत के बारे में अगर बात करें तो दोनों के साथ ही गौतम गंभीर आने के बाद में टीम इंडिया में बुरा व्यवहार हो रहा है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका भी नहीं मिल पा रहा है तो वहीं पर ऋषभ पंत को कप्तानी के योग्य होने के बाद भी T20 में कप्तानी नहीं दी गई है। टीम इंडिया का नया T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, इसी के साथ वो इस कप्तानी के लिए शुभम गिल को चुना गया है। हालांकि यहाँ पर टीम इंडिया का नया कप्तान ऋषभ पंत को बनाया जाना था, क्योंकि ऋषभ पंत आने वाले बहुत से सालों के लिए टीम इंडिया की कप्तानी आराम से कर सकते हैं और साथ ही एमएस धोनी की तरह ही ऋषभ पंत भी एक बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन है और साथ ही बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर भी है। इसके साथ ही गौतम गंभीर कोच बनने के बाद में सीएसके की टीम से बहुत से बदले ले रहे हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी जाके वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको आईपीएल में ऐसी खबरें चाहिए और आपको आने वाले आईपीएल के मेगा ऑक्शन की सारी न्यूज चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।